students. Today, let us discuss about the salts and their formation. So, it is today's topic. Salts क्या होते हैं? They are the chemical compounds. ये कुछ ऐसे chemical compounds होते हैं जो ionic होते हैं. So, we can say they are the ionic compounds. Salts जो हैं, वो ionic compounds होते हैं, जिसमें दो part होते हैं. एक part दो तरह के आयन्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट जो इसका होता है, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड कैटायन. एंड अनदर पार्ट जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव आयन और एन आयन. सो वी कैन राइट हियर दैट सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स. सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स. One part carrying positive charge, that's called the positive ion, it's also called as cation. And another part that carries negative charge, that's called anion. So we can say that a salt, yeah, salts are the ionic compounds consisting of two parts. One part carrying a positive charge called a positive ion or cation, and another part carrying a negative charge called a negative ion or anion. तो ये तो सॉल्ट्स की डेफिनेशन है. लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे के दे आर इक्वल, वो बराबर होते हैं, दे आर इक्वल. सो दिस द टोटल नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सो दैट द सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो सॉल्ट क्या है इलेक्ट्रिकली? ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो कैटायन्स हैं उनका वो होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ द एनायन्स. सो द सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये भी आपको यहां पे याद रखना होगा कि द नंबर ऑफ चार्जेस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स. नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इन अ सॉल्ट इज इक्वल टू number of negative ions, so the salt is electrically, salt is, जब charges बराबर होते हैं तो substance क्या होता है? electrically neutral. so the salts are electrically neutral. और इसमें जो ये positive ion होता है, positive ion, it generally is a metal ion. ये जनरली क्या होता है? देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो, बट जनरली ये क्या होता है? मेटल आयन. ये मेटल आयन होता है. सो द पॉजिटिव पार्ट इज जनरली अ मेटल आयन. तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं सॉल्ट्स की यहां पे लिखूंगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट सोडियम क्लोराइड, NaCl, वेरी कॉमन सॉल्ट. इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज Na एंड Cl, और इसमें जो कैटायन्स एंड आयन्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव पार्ट जो होता है दैट इज कैटायन, दैट इज Na पॉजिटिव, और जो नेगेटिव आयन इसका होता है दैट इज Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन. तो ये इसमें आयन्स होते हैं कैटायन एंड एनायन. सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द चार्जेस आर इक्वल. इसी तरह से सोडियम सल्फेट है हमारे पास, Na2SO4 सोडियम सल्फेट. इसमें हमारे पास देयर आर टू सोडियम पॉजिटिव आयन्स एंड देयर इज द नेगेटिव चार्ज टू ऑल्सो ऑन सल्फेट आयन. सो द चार्जेस आर इक्वल, टू पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्जेस. सो द सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसी तरह से बहुत सारे सॉल्ट हैं, लाइक यू हैव गॉट कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, CaCO3. इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3. Yeah, there are zinc sulfate is there, copper sulfate is there, different types of salts are there in which are electrically neutral. So, ab ye jo salts hain, ye kaise, how the formation takes place? It takes place by a large number of reactions. So, kuch general reactions hain jinme formation of salts ho jati hai, formation of salts.
इसके बारे में आप पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, जनरल रिएक्शन जो आपने बहुत बार पढ़ी है, दैट इज द वेरी कॉमन रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. बहुत बार आपने पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो यहां पर भी हम उसी तरह से आप सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे जो हमने बहुत बार लिखी हुई है, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इट गिव्स अ सॉल्ट दैट इज NaCl एंड इट गिव्स वाटर ऑल्सो, इट गिव्स वाटर ऑल्सो. तो इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास एक बेस KOH एंड इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड, लेट इट बी HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3. HNO3 इज ए नाइट्रिक एसिड एंड दिस इट विल फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस वाटर H2O, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट. तो इसमें जो अभी मैंने कहा था कि इसमें जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं दे आर जनरली द मेटल आयन्स. यहां पर भी आप देख सकते हैं सोडियम यहां पे पॉजिटिव होगा, क्लोरीन नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव होगा, NO3 नाइट्रेट एंड दैट इज नेगेटिव आयन. इसी तरह से मैंने ऊपर भी अभी लिखा था कि जो ये सोडियम है इट इज जनरली पॉजिटिव पार्ट जो होता है इनका सॉल्ट्स का, दैट इज जनरली ए मेटल आयन, जनरली वो मेटल आयन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट है, दैट इज अ मेटल आयन. जिंक सल्फेट में जिंक पॉजिटिव पार्ट है, दैट इज अ मेटल आयन. कॉपर सल्फेट में कॉपर पॉजिटिव आयन है, दैट इज अ मेटल आयन. सो जनरली दे आर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्ट, दे आर मेटल आयन्स. इसी तरह से कुछ और रिएक्शन है हमारे पास, एक तो हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के, इन बिटवीन द एसिड्स एंड द बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है ऑफ द सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम द बेस, ये तो एक तो ये मेटल आयन होता है और दूसरा बेस से आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ NaCl यहां पे देखेंगे, NaCl जो सॉल्ट है इसमें पॉजिटिव पार्ट Na है, तो ये तो मेटल आयन है, एक तो ये मेटल आयन है और दूसरा ये कहां से आता है, फ्रॉम बेस, क्योंकि NaOH बेस है तो बेस से आ गया इसका पॉजिटिव पार्ट, किसका, सॉल्ट का. इसी तरह से यहां पर KNO3, इसमें पॉजिटिव पार्ट हमारा पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो है वो कहां से आ गया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. तो बेस ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो ये बेसिस जो है दे प्रोड्यूस द पॉजिटिव पार्ट और द पॉजिटिव आयन्स. ये पॉजिटिव आयन्स दे गिव पॉजिटिव आयन्स इन ए सॉल्ट, ये पॉजिटिव आयन्स देते हैं इन ए सॉल्ट. तो ये जो अब पॉजिटिव पार्ट होता है ऑफ द सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम द बेस, दैट इज कॉल्ड द बेसिक रेडिकल. लेकिन जो नेगेटिव पार्ट होता है सॉल्ट का, दैट कम्स फ्रॉम द एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल. नेगेटिव पार्ट देखिए यहां पे सॉल्ट का, वो क्लोरीन है, Cl नेगेटिव, इसी तरह से NO3 नेगेटिव. तो क्लोरीन नेगेटिव पार्ट कहां से आ गया, फ्रॉम एसिड HCl. इसी तरह से यहां पे आप देखेंगे इसमें पोटेशियम नाइट्रेट में NO3 जो यहां पे है ये इसका नेगेटिव पार्ट है, पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट आ गया फ्रॉम बेस, तो नेगेटिव पार्ट NO3 कहां से आ गया, फ्रॉम HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड. तो एसिड से नेगेटिव पार्ट आता है सॉल्ट का और बेस से पॉजिटिव पार्ट आता है सॉल्ट का. तो जो बेस से आता है यह पॉजिटिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड द बेसिक रेडिकल, एंड जो नेगेटिव पार्ट इसका आता है फ्रॉम एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल. तो ये यहां पे आपको याद रखना है कि जो सॉल्ट का, सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट आता है या पॉजिटिव ये आयन होता है, पॉजिटिव पार्ट, ये कहां से आता है, फ्रॉम बेस. तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल. तो सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट आता है ये कहां से आता है, फ्रॉम एसिड, और इसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेडिकल. सो देर आर बेसिक रेडिकल्स एंड एसिड रेडिकल्स इन ए सॉल्ट. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल NaCl एक सॉल्ट है, इसमें Na जो है पॉजिटिव पार्ट वो कहां से आता है, फ्रॉम बेस NaOH, और जो क्लोरीन नेगेटिव पार्ट है वो कहां से आता है, फ्रॉम एसिड HCl. तो ये एसिड रेडिकल है और Na पॉजिटिव जो है वो बेसिक रेडिकल है यहां पे.
Now coming towards the next reaction, how salts are formed by the action of metals on acids. ये भी आपने बहुत बार पढ़ी है ये वाली reaction by the action of metals on salts. By the action of metals on acids, sorry. मेटल्स और एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म द सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस एच टू एस ओ फोर, इट विल गिव यू जिंक सल्फेट जेड एन एस ओ फोर प्लस हाइड्रोजन गैस. इसी तरह से मैग्नीशियम एक मेटल है, वेन इट रिएक्ट्स विद एच सी एल इट विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू प्लस हाइड्रोजन गैस. तो जिंक सल्फेट सॉल्ट है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड. सो द सॉल्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स. यहाँ पे जिंक मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं और they also release the hydrogen gas. The hydrogen gas is released in the reaction. These reactions are also the displacement reactions. If you remember, जब मैंने displacement reactions पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने ये reactions लिखी थी, क्योंकि यहाँ पे displacement हो जाता है, hydrogen का displacement हो जाता है, तो ये displacement reactions भी कहलाते हैं. Now there are some other reactions also. The salts are formed, for example, by the action of the acids on metal carbonates or bicarbonates. ये भी आपने पढ़ा है. By the action of metals on, by the action of acids on metal carbonates. And bicarbonates. Already आपने ये reactions की हुई है. फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिखूंगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, when it reacts with HCl, it will give calcium chloride CaCl2 plus water plus carbon dioxide. क्योंकि जब भी कोई कार्बोनेट एसिड या बाइकार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, एक तो वो सॉल्ट बना देते हैं और उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ए प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं. ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट. व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl इट विल गिव CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से एक बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे हम लिखेंगे, NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वी कैन कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट. व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स NaCl दैट इज अ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपने ऑलरेडी ये रिएक्शंस की हुई है. फिर से यहाँ पे तो हमने लिखी इस तरह से, देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट्स. नाउ ये जो सॉल्ट्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ द सॉल्ट्स which depends upon what type of the acid or the base is involved in the reaction from which they are formed. Like there are chlorides. Chlorides hai hamare paas. Chlorides or chlorides jo salts hote hain, they are the salts which are formed by the reaction of hydrochloric acid with any base. Agar hydrochloric acid kisi bhi base ke saath react karta hai, jo wahan pe salt banta hai, that is the chloride salt. Chloride family se belong karega. तो यहाँ पे एसिड जो है दैट इज HCl विथ एनी बेस. बेस क्या है? एनी बेस. तो वहां पे डेफिनेटली एक सॉल्ट बनेगा और वो जो सॉल्ट बनता है दैट सॉल्ट इज कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट. फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है. NaCl में एक तो सॉल्ट जो है ये तो सोडियम क्लोराइड है और बेस इसमें इन्वॉल्व कौन सी हो जाती है? NaOH बेस इज इन्वॉल्वड. तो और ये किसके साथ ये बेस रिएक्ट करती है? विद HCl. जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो NaCl सॉल्ट बनेगा. सो NaCl इज अ क्लोराइड सॉल्ट. इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, और इन सबों में HCl रिएक्ट करता है विद एनी बेस. बेस कैन बी इट कैन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो जो भी सॉल्ट वहां पे बनेगा दैट विल बी क्लोराइड सॉल्ट. इसी तरह से नाइट्रेट्स हैं एक फैमिली सॉल्ट्स की. नाइट्रेट्स
नाइट्राइट्स। तो नाइट्राइट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं? वो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद एनी बेस। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व होता है HNO3 विद एनी बेस। तो बेस क्या है? प्लस एनी बेस, कोई भी बेस। डेफिनेटली वहां पे एक सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी ए नाइट्रेट सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट। तो अगर इसमें जो ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, दैट इज द बेस, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट करता है विद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो वो सब नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं। इसी तरह से सल्फेट्स भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, सल्फेट्स। तो यहां पे कौन सा एसिड इन्वॉल्व हो जाएगा? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो H2SO4 किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाएगा दैट विल बी द सल्फेट सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट है हमारे पास, पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सब सॉल्ट जो है दे आर द सल्फेट सॉल्ट्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एनी ऑफ द बेस। फॉर एग्जांपल इफ द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। इफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। इफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। एंड ऑल दो सॉल्ट्स आर कॉल्ड द सल्फेट्स। इसी तरह से हमारे पास कार्बोनेट्स हैं और फॉस्फेट्स हैं, ऑक्सिलेट्स हैं, एसिटेट्स हैं। सो देर आर डिफरेंट सॉल्ट्स। Thank you for watching and you can